बागवान भाइयों नमस्कार। आज हम सेव गांव में मौजूद है और इस वक्त हम जिनके ऑर्चर्ड में है, हमारे साथ है विनय जिंटा जी जो ग्लोरी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल रोहू के प्रिंसिपल है। आज हम इनके एक छोटा सा ऑर्चर्ड इन्होंने लगाया था गाला का, तो इसमें आज प्रूनिंग और ट्रेनिंग संबंधित जानकारी के लिए मैं आया था। और ये प्लांटेशन लास्ट ईयर की थी ना, लास्ट ईयर ही की थी और ये सिंगल ईयर के प्लांट है और इसकी हाइट ऑलमोस्ट 8 से 10 फुट तक कई प्लांट पहुंच चुके हैं हमारे। और आप देखेंगे कि थोड़ा सा जो इसमें गलती रही है, पूरा नॉर्थ साउथ फेस पे लगा कि ये बहुत ही डेंस लगे हैं। तो जब भी आप प्लांटेशन करें तो एटलीस्ट डिस्टेंस का ज़रूर ध्यान रखें। और अब इसको हमारे को अलग तरीके से काम करना पड़ेगा और ये सीलिंग पे है। इस पे जो कार्य होगा वो हमारे वर्टिकल एक्सेस में काम करेंगे इस पे हम, और वर्टिकल उसमें ये बहुत ही बढ़िया बनना था ऑर्चर्ड, मगर आज स्थिति है कि इसको हमारे को स्टव करके रोकना पड़ेगा और इसको फिलहाल हम लू छोड़ने वाले हैं। ये जैसे ये कराते ना वो बंद, मतलब ये नहीं कर रहा था ना। और यहाँ पर बिल्कुल ताजा बर्फबारी भी चालू है और पूरा बगीचे का ठेका है अभी काटने का, तो हम इसको कंप्लीट ही करके जाएगा वो भी मामलों के घर में। और ये ऑर्चर्ड जो है ये मेरे ही लिए प्रूनिंग करने के लिए रखा गया था। जब से ये लगा है तब से इसकी मेंटेनेंस मैं ही करवा रहा हूँ। देखो जो सारे पौधे ना वैसे ही बनेंगे, चाहे आपके है चाहे इनके है। और इस विषय पर एक गलती है कि भाई ये नीट जाए, अगर एक वो नहीं होती ना इसमें तो मतलब पेड़ ऐसा ही बना है। ये काटते हो। और अब आप देखेंगे कि जो हमारा फर्स्ट स्कैफोल्ड है वो ब्रांचेज यहाँ पे आई है, फिर ये सेकेंडरी उस पर आ गई है ये वाला क्लस्टर एक। अब जो यहाँ से ऊपर ये शूट है इसको हम टॉप नहीं करेंगे, मगर इसमें हम नॉर्थिंग से फेदरिंग लेके आएंगे। अब आने वाला टाइम जो होगा फेदरिंग का, उसको हम कट करके इसमें फेदरिंग लाने की कोशिश करेंगे। और बागवान भाइयों एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, यहाँ के एक बड़ी अच्छी चीज़ जो आपके और हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो जाएगी वो है बगीचों की चौकीदारी। अगर आपको मैं दिखा पाऊँगा तो आप नीचे अगर देखेंगे तो एक यहाँ पे एक कैमरा लगा है, पार पोल पे एक कैमरा लगा है। इसकी खासियत ये है कि भाई ये हमारे सोलर से चलता है, जहाँ पर लाइट नहीं है जो अपने बगीचों की चौकीदारी करना चाहते हैं तो आप एक थर्ड आई के रूप में कैमरा इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये सारा मोबाइल से ऑपरेट है, 360 डिग्री तक घूमता है और पूरी रिकॉर्डिंग के साथ आपको बैकअप देता है। तो अगर बहुत सारे बागवान ये सोच रहे हैं कि भाई हम कैसे देखभाल करें चौकीदारी करें अपने ऑर्चर्ड की, तो आप एक सोलर वे में कहीं भी एक अपना कैमरा इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसकी मैं अभी जिंटा जी से पूछ ही रहा था, आ जाओ ना ज़रा। और आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा, मैं जो सेवा गाँव है और यहाँ जो जिंटा फैमिली है मैं उनका भांजा हूँ और इन्हें जिंटा जी हमारे मामू हैं
तो आप ये बताएंगे कि ये जो कॉस्टिंग पड़ी हमारे को ये कैमरा की, मैं तो खुद ही बड़ा खुश हो गया, तो ये कोई ब्रांडेड कंपनी का आता है या क्या कॉस्टिंग है इसकी और कितने का स्टोरेज कैपेसिटी है इसमें? तो आप जितना भी इसमें मेमोरी कार्ड लगाओगे आप उतना उतना फुल बैकअप आपको उतना मिलेगा, और ये 13,000 से शुरू हो जाता है और डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी का लगाना चाह रहे हैं इसमें। और ये जो हमारे पास लगाई है कितने का? ये मेरे ख्याल से 16-17 हज़ार का है मेरे।